हाँ जी बेटा, वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। सो नैक्सट असं जो टॉपिक करन जा रहे हैं, दैट इज़ कैटालिसिस। ठीक है, कैटालिस्ट वर्ड वैसे तो सारे ने सुने हैं लास्ट क्लासेस दे विच भी। सो बेटा, बर्जीलियस सीगा जिन्हें सब तो पहला ये टर्म जी दी है कैटालिसिस। ठीक है, सो अगर असी कोई रिएक्शन कंसिडर करते हैं जिमें पोटैशियम क्लोरेट की KClO3। ठीक है, जदों ये डीकम्पोज हों तो ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होंगी है KCl+O2। ठीक है, सो ऑक्सीजन की जो फॉर्मेशन होंगी है तो इस रिएक्शन के असी एक कैटालिस्ट यूज करते हैं, दैट इज़ मैगनीज डाइऑक्साइड MnO। ठीक है, सो कैटालिस्ट की होंगे, कैटालिस्ट एक अहोजा सबसटेंस होंगे जिहड़ा किसी कैमिकल रिएक्शन के रेट में उसकी स्पीड में चेंज कर देता है, कई बार वधाउंदा भी है और कई बार घटाउंदा भी है। ठीक है, एंड देम सेल्स रिमेन कैमिकली अनचेंज्ड। आप जिस तरह कैटालिस्ट वो एंटर होया हुंदा रिएक्शन दे विच, उस तरह ही असीं उन्हें रिमूव कर लैंदे हां क्योंकि वह कैमिकली रिएक्ट नहीं करता किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नाल। सो नैक्सट बेटा टर्म्स आंदियां प्रोमोटर्स एंड पॉइजन्स। सो प्रोमोटर की होएगा, कोई भी सबसटेंस जिहड़ा कैटालिस्ट की फंक्शनिंग इनक्रीज करे, बट पॉइजन की होएगा जिहड़ा कैटालिस्ट की फंक्शनिंग डिक्रीज करे, घटा दे। ठीक है, सो जिमें बेटा असी हैबर्स प्रोसैस किया हो, पी ब्लॉक एलीमेंट कर चुके हो, तो देखा कि नाइट्रोजन ते हाइड्रोजन दोनों गैशियस फॉर्म जो असी लेंदे हां, अमोनिया की फॉर्मेशन होंदी है, दैट इज ऑलसो इन द गैशियस फॉर्म। सो इस केस दे विच, इस रिएक्शन दे विच, इस पर्टिकुलर रिएक्शन दे विच कैटालिस्ट तुसी यूज करदे हो आयरन, बट प्रोमोटर जिहड़ा तुसी यूज करदे हो दैट इज मोलिब्डेनम MO। ठीक है, प्रोमोटर का इतने की काम है, प्रोमोटर ने इस रिएक्शन कैटालिस्ट की मतलब यदि फंक्शनिंग नू होर भी इनक्रीज कर देना, सो रिएक्शन साढ़े को होर भी जल्दी जी हो जाए। क्लीयर, सो नैक्सट बेटा कैटालिसिस जो एक्चुअली दो तरह का होंगे, एक होंगे होमोजीनियस, एक होंगे हैटरोजीनियस। होमो मतलब सेम, सो होमोजीनियस कैटालिसिस वो होएगा जिदे विच, क्योंकि तुहानू पता है किसी भी रिएक्शन दे विच रिएक्टेंट जदों असी प्रोडक्ट जाने, मान लो असी कैटालिस्ट यूज किया एरो दे उपर जिहड़ा असी शो करदे। ठीक है, होमोजीनियस विच जिहड़ा रिएक्टेंट्स दा फेज आ वो सेम होएगा जिहड़ा कैटालिस्ट दा फेज होएगा। फेज दा मतलब अगर रिएक्टेंट साडे कोल गैशियस स्टेट फेज विच आ, गैशियस स्टेट च आ, कैटालिस्ट भी गैशियस, अगर रिएक्टेंट सॉलिड च आ ये भी सॉलिड फेज च होगा, अगर ये लिक्विड फेज च है तो ये भी लिक्विड फेज च होएगा। मैं गल कर रही हूँ रिएक्टेंट ते कैटालिस्ट दी, नॉट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सो नैक्सट बेटा हुंदा हैटरोजीनियस कैटालिसिस, बिल्कुल अपोजिट होएगा, इहदे विच जिहड़ा रिएक्टेंट्स दा फेज आ दैट विल नॉट बी सेम एज दैट ऑफ कैटालिस्ट, ये डिफरेंट होएगा फेज। ठीक है, सो असीं बेटा कुछ एग्जाम्पल्स करांगे, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वैल एज फ्रॉम कॉम्पीटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। सो होमोजीनियस विच बेटा फर्स्ट उन्होंने एग्जाम्पल जिहड़ी कंसिडर की है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3। ठीक है बेटा, लेंदे कि असीं SO2 लेंदे हां, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन दोनों गैशियस फॉर्म च है, और नाइट्रस ऑक्साइड विच इज ऑलसो इन द गैशियस फॉर्म। सो बेटा देखो की होंगे, सल्फर ट्राईऑक्साइड बनता, तुसी देखो ये भी गैशियस, ये भी गैशियस, दिस इज ऑलसो इन द गैशियस, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। बट हैट्रोजीनियस विच भी सल्फर ट्राईऑक्साइड की फॉर्मेशन की ही असी एग्जाम्पल ले आ, रिएक्टेंट भी उही ले आ, प्रोडक्ट भी उही बने, बट असी कैटालिस्ट चेंज कर रहे, इतने असी प्लैटिनम लै रहे हैं विच इज इन द सॉलिड फेज, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हैट्रोजीनियस कैटालिसिस। इधर बेटा एक होर ले आ, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर तुसी 10th क्लास च भी किया सीगा, एस्टर लैना, एस्टर तुहानू पता है RCOOR ये फॉर्मूला होंगे है ना, जो तुसी इन खोल के लिख दो, सपोज करो तुसी इन लिखना, तुसी किदा लिखोगे RCOOR, इदा लिख दो, जां आर डैश भी हो सकता, आर सेम भी हो सकते, डिफरेंट भी हो सकते। सो बेटा तुसी एस्टर लिया, उन्दू हाइड्रोलिसिस करनी है, वाटर ऐड किया, दोनों लिक्विड फॉर्म च है। कैटालिस्ट तुसी लिया HCl विच इज इन द एक्वस फॉर्म, मतलब HCl ते वाटर, वाटर मतलब लिक्विड फॉर्म च ही HCl इज डिजॉल्वड इन वाटर, सो प्रोडक्ट्स बन रहे थोड़े को एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल विच आर ऑलसो इन द लिक्विड फॉर्म। बट तुसी इन्हों देखो रिएक्टेंट कैटालिस्ट में, दे ऑल आर इन द सेम फेज, दे आर इन द लिक्विड फेज, सो दैट्स वाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। On this side, we have considered Haber's process, formation of ammonia. ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਫੋਰਮਸ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਫੋਰਮ ਅਮੋਨੀਆ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ ਸੋਇਲਡ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਇਰਨ। ਸੋ
phase of catalyst is different from phase of reactant, that's why it is an example of heterogeneous catalysis. Next beta example is hydrolysis of cane sugar, C12 H22O11. So water add kita in the presence of sulfuric acid, that is also in the liquid form. Phase same hai, sade kol glucose te sucrose ban rahi hai, theek hai. But idharli site hydrogenation, this example you have done in 10th class. Vegetable oil which is in the liquid form, hydrogen gas add kar deo. Solid jada catalyst nickel ja platinum the surface te reaction karwai jandi hai, vegetable ghee thonu solid form se milta. So here a liquid hai, gas hai, solid. So phases alag, heterogeneous catalysis. Oswald process de vich बेटा ऑसवाल्ड जिहड़ा प्रोसैस है ना, वैसे ही प्रोसैस कादे वास्ते हुंदा, दिस प्रोसैस इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड. तुसीं नाइट्रिक एसिड बनाउंदे हो जिवें हैबर दे विच तुसीं अमोनिया बनाउंदे हो ना, सो ऑसवाल्ड प्रोसैस दे विच तुसीं नाइट्रिक एसिड बनाउणा कद तों बनाउणा, अमोनिया तों बनाउणा, ठीक है. तो इहदे विच इक स्टैप है बेटा, सब तों पहला जिहड़ा ना अमोनिया दी असीं ऑक्सीडेशन करदे हो, उच ऑक्सीजन ऐड करदे हो. इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटालिस्ट तुहाडे कोल एनओ ते H2O बनदा. सो ये बेटा एग्जाम्पल है, पहले ही स्टैप है ऑसवाल्ड प्रोसैस का, पहला स्टैप है, उन्होंने कंसिडर किया. तो असी देखा कि रिएक्टेंट्स आर नॉट इन द सेम फेज एज दैट ऑफ कैटालिस्ट, दैट्स वाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हैट्रोजीनस कैटालिसिस. क्लियर. सो नेक्स्ट टॉपिक बेटा आ रहा है एडजॉर्प्शन थ्यूरी ऑफ हैट्रोजीनस कैटालिसिस. सो ये थ्यूरी दे विच बेटा असी अलग अलग स्टैप्स पढ़ांगे कि हैट्रोजीनस कैटालिसिस जो होंगे तो की पिछे कि थ्योरी काम करती है. सब तो पहले तो की होंगे बेटा, देखो रिएक्टेंट्स है साढ़े को पे हुए, वो डिफ्यूज होंगे ऑन द सर्फेस, लागे लागे आए, आ मान लो सर्फेस है, इतने एडजॉर्ब होने है ना, सॉयलड सर्फेस है. सो रिएक्टेंट्स आए लागे लागे, इन अस कहने डिफ्यूजर, ठीक है. सैकेंड स्टैप एडजॉर्प्शन होंगी बेटा रिएक्टेंट्स की ऑन द सर्फेस ऑफ कैटालिस्ट, एडजॉर्ब होने शुरू हो गए, थोड़िया वीक फोर्सेस बनने शुरू हो गई. क्लीयर. थर्ड स्टैप दे विच बेटा कैमिकल रिएक्शन होंदा, जो कैमिकल रिएक्शन होंदा मतलब देयर इज ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड. सो ए बॉन्ड बी ई बी बॉन्ड टुट जाता है, ए ने बी नाल कंबाइन कर जाना, साडे कोल प्रोडक्ट्स बनने जिहड़े आ जां इंटरमीडिएट जिहड़ा बनना शुरू हो जाए, ठीक है. क्लीयर. इंटरमीडिएट बनना मतलब पुराने बॉन्ड टुट रहे, नवे बॉन्ड बन रहे. नैक्सट बेटा डीजॉर्प्शन, हूँ एक बार प्रोडक्ट बन गए उन्होंने ये सर्फेस तो हट जाना, डीजॉर्ब हो गए, पहले एडजॉर्ब हुए थे हूँ डीजॉर्ब हो गए, ठीक है, प्रोडक्ट जी सर्फेस तो हट गए. क्योंकि ये नहीं कि बेटा प्रोडक्ट बन जा तो मुड़ के सर्फेस नालों डीटैच ही ना हो, क्योंकि सन तो प्रोडक्ट्स असं रिकवर करने तो कैटालिस्ट असं एस एच ओ भी रिकवर करना. सो जी डीजॉर्प्शन दैट इज वेरी मस्ट. सो फिफ्थ एग्जाम्पल इज डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द सर्फेस. पहले स्टैप दे विच देखो रिएक्टेंट लग गया इसी सर्फेस से, एडजॉर्ब होए, रिएक्ट होए, डीजॉर्प्शन होगी, फिर वो डिफ्यूज हो गए, दूर चले गए प्रोडक्ट्स जो बन गए सर्फेस नाल. क्लीयर. तो सर्फेस साढ़े को उदा दा आ गई, कैटालिस्ट साढ़े को उदा दा उदा रिकवर हो गया. नैक्सट बेटा टॉपिक है फीचर्स ऑफ सॉयलड कैटालिस्ट. सो पहली जो फीचर है दैट इज एक्टिविटी. पहली गल कैटालिस्ट बेटा एक्टिव होना चाहिए ताकि वह रिएक्टेंट्स नू अपनी सरफेस से एडजॉर्ब करा ले, ते प्रोडक्ट्स फॉर्म होन तो बाद डीजॉर्प्शन भी होनी चाहिए. ये ना हो कि डीजॉर्प्शन होवे ना, फिर साढ़े प्रोडक्ट्स बनने का की फायदा, क्योंकि सू असी तो प्रोडक्ट्स रिकवर करने है ना, तो कैटालिस्ट भी रिकवर करना. सो दोनों चीज़ा होनी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए कैटालिस्ट. सिलेक्टिविटी देखो बेटा, ये वास्तव समझने वास्ते ना तीन रिएक्शन लिया, तिना च रिएक्टेंट सेम आ, प्रोडक्ट डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट है? बिकॉज क्योंकि असी कैटालिस्ट जिहड़े आ डिफरेंट ले. पहले च असी लिया निकल विच इज इन द सॉलिड स्टेट, सैकेंड लिया कॉपर, जिंक ऑक्साइड ते क्रोमियम ऑक्साइड, थर्ड विच लिया सी कॉपर, इहदे विच अलकेन बनी, इहदे विच अलकोहल बनी, इहदे विच एल्डिहाइड बने. सो मतलब सिलेक्टिविटी का मतलब है कि बेटा जे तुसी कैटालिस्ट चेंज कर दो, कैटालिस्ट इन्ने के सिलेक्टिव होंगे कि वो उस तरह के ही प्रोडक्ट बनाते. यही कि तुसी निकल कैटालिस्ट यूज किया तो तुहाडे को एल्डिहाइड बनेगा, नो, ठीक है. सो कैटालिस्ट अपनी रिएक्शन के वास्ते बहुत ही सिलेक्टिव होंगे, बड़ा पर्टिकुलर होंगे. नैक्सट बेटा टॉपिक है साढ़े को शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट. इन्हों बेटा असं जियोलाइट्स भी बोलते, नवी टर्म है तुहाडे लई, जियोलाइट्स, ठीक है. सो बेटा जिवें मधुमक्खियों के छत्ता होंगे ना, है ना, तुसी देखा होगा सारे,
ਉਦਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨੀਕੋਮ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ। ਔਰ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਮੀਲਰ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੇਪ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੋਰ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਕਰੋ ਪੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦਾ ਪੋਰ ਸਾਈਜ਼, ਪੋਰ ਸ਼ੇਪ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਵਾਂਗੂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਇਹਦੀ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਸਲੈਕਟਿਵ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਮਾਈਕਰੋਪੋਰਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3D ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਿਲੀਕੇਟਸ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਿਲੀਕੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਿਲੀਕੇਟਸ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੀਕਨ ਜਿਹੜਾ SiO2 ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਲੀਕਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਲੀਕਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਂਡਿੰਗ ਆਊਗੀ, AlOSi, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੁਛ ਸਿਲੀਕਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨਾਲ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਲੂਮੀਨੋ ਸਿਲੀਕੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਆਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੀਓਲਾਈਟਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਈਸੋਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ +1 'ਚ, ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਕੇਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ 10-12 ਕਾਰਬਨ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਅਲਕੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਅਲਕੇਨਸ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈਸੋਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਉ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਉ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ੀਓਲਾਈਟਸ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੀਓਲਾਈਟ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ZSM5, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਓਲਾਈਟ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਫੋਰ ਦਾ ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਅਲਕੋਹਲ ਟੂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਗੈਸੋਲੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਗੈਸੋਲੀਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਜ਼ੀਓਲਾਈਟ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟੂਡੇਜ਼ ਲੈਕਚਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।